रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट। हमारा यूनिट 1 स्टार्ट था, एक्सरसाइज 1.4। आज कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देंगे इस लेक्चर में। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। अगर आप लोगों ने ये चीज़ सीख ली तो इंशाल्लाह ताला ये जितने क्वेश्चन आएंगे आप बहुत इंटरेस्ट लेके करेंगे और आपको खुद सॉल्व करेंगे साथ साथ, ठीक है। अब देख लें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि आपके पास ये नीचे जो ए है ये आपके पास बेस है और उसके ऊपर जो पावर्स लगी हैं एम एन एन वॉट एवर कुछ भी वेरिएबल पर जो आपके पास वेरिएबल पर पावर दी गई होगी ये एम और ये एन है। तो हमें क्या करना होता है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में इन दोनों पावर्स को आप आपस में ऐड कर देते हो। अगर आपके पास बेस सेम होगी, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो हमने क्या करना है इनकी पावर्स को उठाना है और ऐड कर देना है जस्ट। इसी तरीके से अगर सेकेंड आपके पास है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको नज़र आ रहा है ये ए इन टू बी है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एम है वो इस ए के पास भी है और ये वाला एम जो पावर है इस बी के पास भी है। तो हम इसको कह सकते हैं ए इन टू ए इज़ द पावर ऑफ एम एंड बी इज़ द पावर ऑफ एम, ठीक है। दोनों के ऊपर पावर आ गई ना, ए की पावर एम होगी, बी की पावर भी एम हो जाएगी। इसी तरह थर्ड वाला है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि किसी बेस के ऊपर पावर होगी, ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर होगी, तो इसका भी रिलेशन आपस में इस तरह मल्टीप्लाई का होगा। इन दोनों को आपस में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। फोर्थ देख लीजिए, आपके पास लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ अ पावर। इस तरह अगर आपके पास कहानी आ जाती है तो मल्टीप्लाई में था, अगर इस डिवाइड में आ जाए और दोनों की पावर्स डिफरेंट हो पर बेस सेम हो, फिर आपने क्या करना है उनको एक जगह पर रखकर सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आपके पास यहाँ पर ए है, फोर है, फोर की पावर एम है और नीचे जो है एक काम करती हूँ एक्स की पावर टू है और नीचे एक्स की पावर जो है वो वन है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि आपकी बेस सेम है तो हमने एक्स रखा, हमारी बेस सेम थी। अब यहाँ पर ऊपर वाले के पास तो टू है लेकिन ये वाला जो माइनस का वन है, जब ये ऊपर वाले इस वेरिएबल के पास एक्स के पास, क्योंकि हमें अपनी पावर्स को ऐड को सॉल्व करना है, ये प्लस वन है तो ऊपर आके माइनस का वन हो जाएगा। अगर ये माइनस का वन नीचे होगा तो ऊपर जाके यहाँ पर प्लस का वन हो जाएगा। बस ये चीज़ बताने का मकसद था, ठीक है बेटे। अच्छा आप नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास जो है लॉ ऑफ, ये हो गया। अगला है आपके पास नेक्स्ट है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ अ पावर, ये तो मैंने आपको शायद बता दिया अभी, ठीक। लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, इसमें क्या होगा, देखिए आपको नज़र आ रहा है जिस तरह आप इस तरह पूरे ब्रैकेट के ऊपर जो है वेरिएबल्स के ऊपर होल पर जो है वो पावर लगी है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह मल्टीप्लाई की कहानी थी ए के पास भी एम था और बी के पास भी, इसी तरह यहाँ ए के पास भी एम है और बी के पास भी है। लेकिन इसकी एक और भी बात बताती चलूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पावर जो है वो नेगेटिव आ जाती है ऊपर, तो आपने इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ये चीज़ क्वेश्चन में आएगी तो मैं आपको उससे पूछूंगी। जब भी मैंने आपको लास्ट पॉइंट क्या बताया है कि आपने इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर उठा के उल्टा कर दोगे, पलट दोगे, तो ये पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए यहाँ ए बाय बी था, यहाँ बी बाय ए हो गया, पावर जो है वो आपकी पॉजिटिव हो गई। इसको इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें, थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप भी करूँगी ताकि आप इजीली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें और बाद में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। अब यहाँ देख लें ए इज़ द पावर ऑफ जीरो, अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर जीरो होगी तो वो इक्वल होता है वन की, ये भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इसको कीजिए नोट डाउन। अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो आपके पास देखें, आपके पास इस तरह आप इसको बोर्ड पर सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे किस किस तरीके से सॉल्व होंगे, जितने रूल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर वन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर टू है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमने तीनों क्वेश्चन जो है इसके अंदर अपने सॉल्व करने हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपनी बाद में नेक्स्ट लेक्चर हमारा 1.5 पर होगा। फिलहाल ये तीन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है जो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देख लीजिए, 3 to the power of 5 and 3 to the power of 2, क्या बताया था, दोनों की बेस सेम होगी, जस्ट आपने क्या करना है इनकी पावर्स को ऐड कर लेना है। अब ये प्लस टू है, जब ये ऊपर फाइव के पास जाएगा तो माइनस का टू हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो फाइव में से टू को माइनस कर दोगे तो पावर आ जाएगी आपके पास थ्री। अब थ्री इज़ द पावर ऑफ थ्री का मीन क्या होता है कि थ्री को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है। बच्चे क्या करते हैं, थ्री थ्री ज़ा नाइन कर देते हैं जो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। पावर का मीन होता है उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जांपल टू के पावर सिक्स है तो टू इंटू टू सिक्स टाइम लिखोगे आप इस तरह, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू सिक्सटीन, सिक्सटीन थर्टी टू, थर्टी टू टू ज़ा सिक्सटी फोर, इस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब ये थ्री के पावर ऊपर पावर थ्री है तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27, तो इसका आंसर बेटा 27 आएगा। यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो, आगे भी बढ़ाओ तो आपकी मर्ज़ी, देख लीजिएगा बुक में आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा सेकंड देख लीजिए, अब आपके पास ऊपर देखें, आपने देखा कि टू इज़ द पावर ऑफ़ फोर है, फाइव इज़ द पावर ऑफ़ थ्री है, लेकिन नीचे तो टेन है।
अब हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि इसको सॉल्व करें ना, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं ना 5 के बन सकते हैं, पर 10 के फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर 2 को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आता है, और बाहर होल पावर है हमारे पास 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 इज़ द पावर ऑफ 4, 5 इज़ द पावर ऑफ 3। तो इट मीन्स आपके पास ये 2 के पावर पास भी 2 है। अब तो देखिए ओवरऑल 4 और 2 हो गया ना पावर, मतलब होल पर पावर आ गई। तो इसका मतलब इस 2 के ऊपर भी पावर है और इस 5 के ऊपर भी पावर है। अभी मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास हमारी बेस सेम हो जाती है, देखिए हमारे पास ये बेस सेम और एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेंगे ना, पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये 2 है, इसके पास पावर 4 है, और ये वाला जो 2 है ये ऊपर 4 के पास जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा। इनटू 5 के पास पावर 3 है, इस 5 के पास पावर 2 है, ये 2 इस 3 के पास इस तरह आएगा ना, ये पावर इस तरह इसके पास आ जाएंगी, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 माइनस करोगे जस्ट 1 बचेगा। नज़र आ रहा है आपको? अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हो अगर आगे करना चाहो। 2 इज़ द पावर ऑफ 4 मीन 4, 2 टू ज़ा 4 होता है, और जस्ट 5 है, 5 के ऊपर पावर 1 है, तो इट मीन्स 5, 4 5 ज़ा 20। ये आपका आ गया जनाब आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देख रहे होंगे कहने को इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और इतना लेंदी लग रहा है, जी ओपन करूँगी क्या करूँगी, बच्चे क्या करेंगे, मिस ने कहा था इसके ऊपर भी लिख दूँगी, इस पर भी लिख देंगे, इस पर भी लिख देंगे, इस पर भी लिख देंगे पावर 3। ऐसे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा ये a प्लस बी सेम है, और इसका a प्लस बी सेम है, इसका c प्लस डी पूरी ब्रैकेट जो है सेम है, इसकी भी सेम है। हमने क्या किया, जस्ट कॉमन a प्लस बी रखा, इसके ऊपर पावर 2 है, पर इसके ऊपर तो पावर नहीं है, लेकिन जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होता है। 1 कौन सा है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जब 2 के पास जाएगा ऊपर तो हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह सेकेंड वाला देख लीजिए, 6 प्लस डी है, इसके ऊपर पावर 3 है, नीचे वाला देखें पूरी चीज़ जब ऊपर, ये इसके पास पावर 2 है, ये 2 इस 3 के पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये है a प्लस बी, 2 में से 1 को माइनस कर लें, 1 तो लिखते नहीं है, ठीक है ना, ये सेम एज इट इज़ सेकंड वाला हम कॉपी करेंगे। 6 प्लस डी, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, 1 भी नहीं लिखते, इट मीन्स दोनों के ऊपर पावर जो है वो 1 है। कितना आसान क्वेश्चन था, वन स्टेप में आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, डायरेक्ट भी इसका आंसर आ सकता था। इसको नोट डाउन कर लें। अब हम इसका कर लेते हैं सेकंड पार्ट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी मैंने आप लोगों को सारे लॉज बताए हैं, जैसे कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट। जिन्होंने इस वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखा स्टार्टिंग से देखें बेटा, कोई इस वीडियो को स्किप मत करें। जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा, इंशाल्लाह सब समझ आएगा। देखिए अब आपने देखा ये 1/3 है, 1/3 इसके पास पावर 4 है और इसके पास पावर 5 है। मैंने क्या बताया था, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट ऑफ पावर में, कि दोनों की पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ये भी 1/3 है, 1/3 है बेस है, इसके ऊपर पावर 4 है और ये 5 है। जस्ट आपने इसको आप एक ही मतलब स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, यहाँ 4 है और इसके ऊपर पावर जो है वो 5 है, तो ये ऐड हो जाएगी पावर। तो ये 1/3 इसी तरह रहा, और पावर जो है इसके पास 4 और 5 है, तो ये आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 9। ये आपका आंसर है। अब सेकंड देख लीजिए, आपके पास 3 इज़ द पावर ऑफ 4, इसके पास पावर 5 है और यहाँ 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है। अब आपने क्या किया, आपको मैं क्या कहा है, मैंने सेम बेस रखा, इसके ऊपर पावर 5 है, इस पर पावर 2 है, तो आपने इन दोनों पावर्स को कर लेना है जनाब ऐड। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास 3, अब नेक्स्ट वाला आपके पास है। अब ये आपने अंदर नहीं देखना फ़िलहाल, माइनस 4/3 है, 2 इसके पास पावर 3 है और उसके पास पावर जो है वो 5 है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। माइनस 4/3 और पावर आपके पास आ गई जनाब यहाँ पर 8, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब इसका मतलब ये 3 जो है इसके ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, माइनस 3 इज़ द पावर ऑफ 3 इनटू 5 के ऊपर 2 है, इसके ऊपर पावर बाहर 3, तो दोनों के ऊपर है ना। स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। अब आपके इसके ऊपर 3 के ऊपर ये माइनस का 3, दोनों के ऊपर है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। फिलहाल ये माइनस का 3 के ऊपर जो पावर 3 है ये ऐसे ही रहेगी, पर ये ऐड हो जाएगी, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 3 और यहाँ 2 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर में क्या होता है कि दोनों जो आपके पास ब्रैकेट मतलब पावर के ऊपर जो पावर होती है वापस से मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 3 ज़ार हो जाएगा 6, तो पावर आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 6। यहाँ तक समझ आ गया आपको, यही आपका आंसर है। या नेक्स्ट सेम एज इट इज़, जिस तरह ये हुआ ये भी इसी तरीके से होगा।
अब आप देखें इसके ऊपर, ये नेक्स्ट आपके पास थ्री के ऊपर भी थ्री है, यहाँ देखें ठीक है, और ये वाला थ्री इसके ऊपर भी है, तो मल्टीप्लाई हमने लगाया माइनस का, फोर पावर टू है और ये बराबर में थ्री इसके पास भी है, इसी तरीके से है ना, क्योंकि पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अच्छा अब यहाँ देख लीजिए बेटे, ये आपके पास है थ्री के ऊपर पावर थ्री, और ये देखें ये है माइनस का फोर और पावर आपके पास यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है ना माइनस और ऊपर है सिक्स। जब हमारे पास ऊपर इवन नंबर आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पावर अंदर की जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो थ्री इज़ द पावर ऑफ थ्री और फोर जो है पॉजिटिव होगी सिक्स आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया, इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लीजिए, आपने देखा माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी इज़ द पावर ऑफ फाइव, इसके ऊपर पावर फाइव है, इस पर पावर फोर है, सिंपल क्या करना है माइनस ए बाई बी सी, इनकी पावर्स को कर लेना है एड, फाइव प्लस फोर हो जाएगा माइनस ए बाई बी सी। अब आप कर लीजिए इसको जनाब ऐसे, ठीक है, तो ये पाँच और चार हो जाएगा नौ, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब आपने देखा ये सब बेस सेम है सबकी, माइनस सी बाई डी सब पे आ रहा है, इसके पास पावर टू है, अगले के पास पावर थ्री है, फिर पावर फाइव है, इन तमाम की पावर्स को हम कर लेंगे एट, पाँच और तीन आपके पास हो जाएगा आठ, और आठ दो आपके पास हो जाएगा जनाब दस, सिंपल आपने टेन लिख देना है और इसको कर लेना है सॉल्व। देखो हमने लिखा माइनस सी बाय डी की पावर आपके पास टेन है, लेकिन आपने ऊपर देख, अब नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास नेक्स्ट वाला क्या है। अच्छा जी नेक्स्ट आपके पास है, देखें अब कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एम है, एक एन है, एक टी है, तीन वेरिएबल्स हैं। इस वाले m के पास 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 प्लस 5, n के पास 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 प्लस 3, t के पास 4 है और 7 है, 4 एंड 7, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको m, n एंड t लिखा, 5 1 6 हो गया, n 5 हो गया और ये 11 हो गया, ठीक है जी, 7 एंड 4 आपके पास 11 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे ए बी सी तीन वेरिएबल्स हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ए के पास टू है, यहाँ पर थ्री है, तो हम लिखेंगे टू, डायरेक्ट भी कर सकते हो, टू प्लस थ्री। यहाँ बी है तो बी पे टू है, बी पे फोर है, तो टू प्लस फोर। सी पे फाइव है और यहाँ थ्री है, तो फाइव प्लस थ्री। तो आप इसको कर लीजिए सॉल्व नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा ए के ऊपर पावर फाइव, बी पर पावर सिक्स और इस पर पावर आ जाएगी एट। ओके बेटा नेक्स्ट आपने हमने क्या किया, थ्री टू फाइव हो गया, फोर टू सिक्स हो गया, फाइव थ्री एट हो गया, हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लिया, ठीक है। नोट डाउन करते जाएं साथ, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें, सॉल्व किया करें साथ साथ, ठीक है। ये वाला हम इधर कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा इधर देखें, टेन आपकी जगह पर रहा, ये एक्स है, एक्स के पास क्या है, ऊपर पावर फोर है, यहाँ पर एक्स के पास टू है, तो प्लस टू। नेक्स्ट वेरिएबल वाई है, इसके पास सिक्स है और इसके बाद प्लस थ्री। अच्छा बाद में ऐसा भी होता है कि माइनस भी आ सकता है, जो पावर होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है। अब यहाँ पर तो जेड एक ही है जिसके ऊपर टू है, तो हम एक ही लिख लेंगे, ठीक है। ये फोर टू हो जाएगा आपके पास, पावर सिक्स हो जाएगी एक्स की, और वाई आपके पास जो है नाइन हो जाएगा, तो इट मीन्स टेन के ऊपर पावर जो है वो आपके पास सिक्स आ गई है, और जेड जेड के बारे तो मैं भूल ही गई, एक मिनट, जेड के ऊपर पावर जो है टू है, सिक्स है, नाइन है एंड टू है, ठीक है। ये सिक्स है ऐसे, क्योंकि ये फोर टू सिक्स हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, इसका 11 12 भी कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ गया क्वेश्चन हमारे पास, 3/5 ऐसे ही रखा हमने सेम। अब हमने वेरिएबल्स देख लिया, एक हमारे पास R है, एक S है और एक T है। R के ऊपर पावर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो 3 प्लस 7, एस पर 2 प्लस 2 और T पर जस्ट 2, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 3/5, 7 है और यहाँ 3 है, तो 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और T 2 ही है, यही आपका है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये कर लेते हैं हम, ये है माइनस अपनी जगह पर है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये भी L माइनस डिवाइडेड बाय M के ऊपर पावर 4, फिर पावर 5, पावर 3, इन तीनों की पावर्स को ऐड कर लिया, माइनस बाहर वाला ऐसे ही है, ये है L ओवर M, ये 5 और 4 आपके पास 9 हो जाएगा, 9 3 12, ठीक है। माइनस माइनस जो है आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस एल ओवर एम, ठीक है, प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, और 12। अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सर नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सॉरी सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा,
अब आप देखें आपके पास 5 के ऊपर पावर 3 मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई हो जाएगी ना पावर सेम एज इट इज़। अब यहाँ भी 5 डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो ये अगर आप इस तरह देखो इसको तो 2 × 3 है ना, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब जितनी तो प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी तो ये आप डायरेक्ट 6 कर सकते हो, इस तरह पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपके पास एक्स वाई वेरिएबल है और बाहर अंदर 3 है और बाहर 5 है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो एक्स वाई के ऊपर पावर आ जाएगी 15। इसको आप मज़ीद आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर बुक में आप देख लीजिएगा आंसर क्या, एक्स पे भी 15 और वाई पर भी 15, ठीक है, ये आपका आंसर है। थर्ड वाला आप देख लीजिए। अच्छा जी जनाब, अच्छा ये देख रहे हैं अब आपके पास ये वाला, ये जो 2 है ये पहले आपने क्या करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, जस्ट यही काम करना है। -4 ऐसे रहा, ये पावर आपस से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। पॉजिटिव कर दो क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, तो ये 4 है 10। देख लीजिएगा वैसे यहाँ तक भी ये आंसर है, अपने बुक में आप ना आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर जो है बेटा 10 आ रहा होगा ना पॉजिटिव, तो देख लीजिएगा वैसे यही भी आंसर हो सकता है, लेकिन आप देख लें वैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो आगे कर देते हैं कि इवन नंबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, जो आंसर रहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर साइन की गलती आ जाए अगर लास्ट में किसी क्वेश्चन में मैंने कर दिया हो तो आप देख लीजिएगा आंसर को मैच करते हो, बाज़ दफ़ा वहीं स्टॉप कर दिएगा, नहीं तो आगे स्टेप, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा ऐसे क्वेश्चन को मैं आगे तक कर रही हूँ, मज़ीद सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ये आपका काम है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अगला है, और ये आपके पास -3 पे भी, ये 3 जो पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है ना, दोनों के ऊपर है ना, तो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ -3 ऐसे, ये 3, अब ये वाला 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो हम इस 3 से कर देते हैं, फिर इस वाले 2 से भी कर देते हैं, बाहर की पावर दोनों के पास हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 3 = 9 और ये आपके पास हो जाएगा 2 × 3 = 6। इसके ऊपर पावर 9 है और इसके ऊपर पावर 6 है, ये आपका आंसर है, नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास बी के ऊपर पावर 2 है, स्क्वायर है और नीचे 5 है और होल पावर 3 है, ज़ाहिर सी बात है कि 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 से भी होगा, तो जब मैं 2 को इससे बी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 5 के ऊपर भी 3, मतलब दोनों के ऊपर पावर 3 लगा दूंगी ना, तो बी के ऊपर जब मैं लगाऊंगी 3 तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर था और ये 5 के ऊपर हमारे पास पावर 3 है, तो यही आपका आंसर है, b6 and 5 is the power of 3। अगर आगे मज़ीद सॉल्व हो रहा हो मतलब कर लिया करें 5 × 5 × 2, तो मज़ीद वो तो और सिंप्लीफाई करने की जगह और लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा अगला देख लें, अब हमारे पास ये वाला जो 3 है ये इस 2 पर भी है, तो मैं पहले -4/9 लिखा मैंने, अब मैंने इनकी पावर्स को कर लेना है मल्टीप्लाई। अगर ऐसा होता है ना कि राउंड होता अंदर, तो पहले हम राउंड वाला सॉल्व करते फिर कर्ली को करते। अब जस्ट जो है आपके पास एक राउंड की शक्ल ले लें, ऊपर कर्ली ब्रैकेट है, इस तरह भी हो सकता है क्वेश्चन देखें इस तरह, यह हो सकता है ये वाला कर्ली ऊपर स्क्वायर हो, लेकिन पहले आप इस पावर को सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा। अच्छा एक्चुअली मेरे पास PDF है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन उतार के सॉल्व करे थे, और मेरे पास भी ये जी के 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटे यहाँ देखें 3 × 2 = 6 हो जाएगा आपके पास 6, जस्ट आपने इसकी पावर को जो है ना ऐड करना है, इसका मतलब है 4 × 6 है और 9 × 6 है ना, इसको इस तरह भी कर सकते हो, 4 के ऊपर भी पावर 6 और 9 के ऊपर भी पावर 6, इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब आपने देखा जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, देखें ये राउंड है और ये कर लिए, तो पहले आप इस राउंड वाले ब्रैकेट के जो पावर्स हैं उनको सॉल्व करोगे, तो 3 × 2 = आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 6 और बाहर है पावर 4, तो आपने क्या किया इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, ये 3 × 2 है ना, तो ये हो जाएगा 6 और आके बाहर पावर 4 है, तो अभी 6 × 4 = 24 हो जाएगा, z is the power of 24, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हाँ इसके 2 क्वेश्चंस आई थिंक रह गए हैं, 8 और 9 वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आपके पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लॉ, वही क्वेश्चन इसका 8 क्वेश्चन है। अब आपने देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ क्या दिया है, MMMM, बच्चे परेशान हो जाएंगे, इतने सारे एम एक ही साथ दे दे, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, 1 है फिर प्लस में 2 है फिर 3 है फिर 4 है, तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, 4 या डायरेक्ट कर लें पहले 3 × 5 = 4 × 1 = 10 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप 10 के ऊपर पावर 10 ले लीजिए, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है और फिर अगेन जो है वो पावर 5 है, हम पहले इन पावर्स को सॉल्व करेंगे, तो ये 10 × 2 = 20 हो जाएगा और अगेन बाहर है 5, ठीक है, तो 25 आपके पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास ये बाहर माइनस है और अंदर जो है माइनस 0.1 के ऊपर भी स्क्वायर है। मैं आपको बताती हूँ, माइनस 0.1 इसके ऊपर स्क्वायर है, अगेन पावर 3 है, फिर अगेन पावर 2 है। तो आपने इन पावर्स को जो है वो ऐड कर लेना है, 3 to 5 to 7 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया, ये 4 है, ठीक है, और इनके ऊपर होल पावर जो है ना चंदा वो है 2 ऐसे। तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर वाला 9 है और यहाँ इस तरह करके, और इसके ऊपर भी अगेन जो है वो बेटे वो स्क्वायर है। तो ये 9 और 2 है ना, तो 9 2 आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.1 का पावर 18 और बाहर ऑलरेडी माइनस है ना, इस तरह कर लें इसको, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 0.1 इज़ द पावर ऑफ 18। जी स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें और बता दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, कि किसी चीज़ की कमी है वीडियोस में, लेक्चर्स में, कुछ और समझना चाहते हैं। अगर सही तरह समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह मज़ीद इस एक्सरसाइज को जो है बेहतर करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और अपनी तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज 1.5 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।